हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आज के पावर सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी के क्लास पे। स्टडी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। ई फॉर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के तरफ से हम लोग हर एक सिलेबस को कंप्लीट करते आ रहे हैं और अभी कुछ दिनों का गैप हो गया था जिसके चलते आज फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज हम लोग हाइड्रो पावर स्टेशंस के बारे में जानेंगे और हाइड्रो पावर स्टेशन जो है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो बच्चे पहले नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए भी एक रिव्यू हो जाएगा। हम लोग शॉर्ट में एक रिविज़न कर लेंगे और उनको अगर डिटेल्ड क्लास चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे तो हम डिटेल्ड क्लास फिर से बना देंगे, जो भी पार्ट्स आपके डिटेल में पढ़ाई नहीं हुई है उसके लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 होगा, लेकिन हमारे जो बुकलेट है जिस पे जो हमारे इंस्टीट्यूट की बुकलेट है उसमें चैप्टर नंबर 5 में ये हम लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रो पावर स्टेशन। जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो या जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी, कि देखिए पावर स्टेशंस का डेफिनेशन अगर हम लोग निकालना चाहेंगे या उसका परिभाषा अगर हम लोग बोलेंगे तो उसको निकालना चाहेंगे तो देखिए इसी वर्ड्स में ही इसका परिभाषा भी छिपी हुई है ना। कैसे, तो चलिए बात करते हैं। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, ठीक है। आप सभी को भी पता होगा ये डेफिनेशंस कैसे हम निकालते हैं और आप सभी सीख जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में 90% ऑफ मेन वर्ड्स का डेफिनेशन उनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। हाइड्रो हो गया, पावर मीन्स आपका इलेक्ट्रिसिटी या पावर आप समझ रहे हैं, और स्टेशन जहाँ पे वो व्यवस्था किया जाता है कि हाइड्रो से पावर को जनरेट किया जाए, यानी कि वो प्रोसेस सारा मशीन मैकेनिज्म प्रिंसिपल सारा स्टेशंस पे वर्किंग होता है और उससे पावर जनरेट किया जाता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो पावर का जनरेशन, ठीक है, वैसा स्टेशन जहाँ पे पावर को जनरेट किया जाता है किसे, वाटर यानी कि पानी की मदद से, पानी का जो बहाव है उसका मदद से उसका प्रेशर का यूज़ करके वहाँ पे पावर जनरेट किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है हम लोग आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो इसे कॉपी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर इंग्लिश में कठिनाई आती है तो आप नीचे कमेंट करेंगे, हम लोग धीरे धीरे उस पर भी वर्क करेंगे, है ना। बहुत बच्चे होते हैं जैसे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से तो इंग्लिश से डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इंजीनियरिंग फील्ड में इंग्लिश वगैरह से बिल्कुल डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आप फॉलो करते चलिए, आपको बहुत आसान लगने लगेगा धीरे धीरे। चलिए तो डेफिनेशन के बाद हम लोग चलते हैं, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं कि हाइड्रो पावर स्टेशंस में एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ तक तो हम लोगों ने सीख लिया कि हाइड्रो पावर स्टेशन में पानी की मदद से पावर को जनरेट किया जाता है। तो बच्चों आप लोग देखे होंगे कभी एक डैम, कभी भी आप लोग डैम घूमने गए होंगे, तो ये जो है चाहे आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में या कोई भी स्टेट में रहते हों, नियर बाई आपका कोई ना कोई डैम होगा ही और आप लोग घूमने ज़रूर गए होंगे, ठीक है। तो इस डैम का काम क्या है, ये जो दीवार जो बनी होती है इसी को कहा जाता है डैम। ये जो दीवार यानी कि जिस पे आपका वाटर फ्लो आके रुकी हुई रहती है ना। आप लोग देखते होंगे इस पुल पे चढ़ते, कभी कभी वॉक भी करते होंगे या घूमने गए होंगे, तो ये जो पानी को रोक के रखता है ये जो दीवार, इसी को हम लोग डैम कहते हैं। और जहाँ पे वाटर स्टोर रहता है उसको कहते हैं हम लोग रिजर्वायर। ये देखो यहाँ पे जैसे वाटर रिस्टोर करने का है तो यहाँ पे हो गया ये रिजर्वायर, ठीक है, रिजर्वायर। आपको एक एक पॉइंट्स का नोट्स हम लोग देंगे, आप यहाँ से भी पॉज करके आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर अगर इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो पीडीएफ फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ फॉर्मेट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दूँगा, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो रिजर्वायर मतलब जहाँ पे रिजर्व रहता है आपका वाटर, ठीक है, यानी कि यहाँ आके जमा हो गया वाटर, और ये हो गया आपका डैम। अगर इसको इस तरह से व्यू बनाए तो ये हो गया डैम आपका कुछ इस तरह से, यानी वो वाला दीवार जो कि कभी टूटेगी नहीं, है ना। ऐसा होता है ना बिरला प्लस सीमेंट से बनी हुई है दीवार, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठेकेदार कौन सा सीमेंट से बनाते हैं मुझे क्या पता। तो ये जो वाटर का लेयर रहता है इसको हम लोग कहते हैं, जहाँ पे ये जमा रहता है इसको कहते हैं रिजर्वायर,
ठीक है। और ये जो दीवार होता है इसको बोला जाता है डैम। ओके, बस ये सिंपल सा एक फंडा है। अब हम लोग इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे, उससे पहले ज़रा हम लोग इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं। ओके, तो इसको मिटाते हैं और यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे इस तरह से एक डैम बनाया जाता है, यानी कि एक दीवार टाइप का, जो कि आने वाली वाटर सोर्स से आने वाली पानी या वाटर जल स्रोत को ये जमा करते जाती है। और हम जानते हैं कि अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर्स अगर कहीं भी जमा हो जाए तो उसका हम लोग कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे अदर तो बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे एग्रीकल्चर में है ना, इरिगेशन वगैरह में, ये सब में हम लोग यूज़ किया जा सकता है वाटर का। अब क्या हो गया कि ये इतनी ऊंचाई पर, सपोज़ आप समझ लीजिए कि ये आपका सतह है ना, ये आपका पृथ्वी का सतह है, और इतनी ऊंचाई पर आपकी ये वाटर यहाँ पे जमा हो गई। तो अब इतनी ऊंचाई से अगर वाटर को फ्लो करा कर नीचे गिराया जाए तो ये क्या होगा, इस वाटर में अभी जो वाटर है यहाँ पे स्थिर रूप है, स्थिर रूप है। ओके, और जैसे ये आज यहाँ से वाटर जैसे नीचे की ओर आएगी तो ये डाउनवर्ड यानी कि ये मोशन में आ जाएगी। ठीक है, वाटर मोशन में आ जाएगी। तो यहाँ एक करते हैं काम कि यहाँ पे एक हम लोग गेट बनाते हैं और गेट को खोल देंगे तो ये वाटर एकदम तेज़ी से नीचे आएगी, विथ प्रेशर एंड फोर्स, विथ प्रेशर एंड फोर्स के साथ ये क्या होगा, ये वाटर का जो लेयर है वो नीचे आएगी, बहुत तेज़ी से आएगा। तो अब इसके मार्ग में कोई भी, इसके रास्ते में कोई भी आएगा तो उसको क्या करेगा, एकदम झटका देते हुए आगे बढ़ जाएगा, है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ, फोर्स के साथ उसको अटैक करेगा उसके ऊपर में। तो अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो फोर्स और प्रेशर है, जो कि मोशन या हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी है ना, अभी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर में, पहले थोड़ा सा हम लोग जो इंट्रोडक्शन समझा रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। अब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे आएगा तो इस फोर्स का हम लोग यूज़ कर लेंगे, तो इसके बीच में अगर कोई खड़ा हो जाएगा या अवरोध होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो हम लोग होशियारी वाला काम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं एक टरबाइन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या डाल देते हैं, एक छोटा सा टरबाइन यहाँ डाल देते हैं। टरबाइन का क्या काम होगा अभी बात करेंगे उसके ऊपर में। अब क्या हो गया, जैसे ही इस फोर्स को टरबाइन में लगा तो टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट हो गया, रोटेट करना स्टार्ट हो गया। तो मुझे तो यही रोटेशन का ही काम है, ये जो घूमता है, घूम रहा है, घूम रहा है, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, वो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर में। अब जैसे ये टरबाइन घूमा तो इस टरबाइन को हम लोगों ने जोड़ दिया एक जनरेटर के साथ। जनरेटर का काम क्या है कि वो मैकेनिकल एनर्जी लेगा और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा उसका। जनरेटर एक ऐसा मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए, ये मैकेनिकल एनर्जी कौन दिया, टरबाइन दिया जनरेटर को, और जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, बाकी हम लोग सप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये है प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशंस का, है ना। कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट या हाइड्रो पावर स्टेशन जो होता है उसमें बेसिक थिंग्स या फंडामेंटल थिंग्स हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर आपको फिर भी कोई किसी भी तरह से इशू आ रहा है या किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे या नेक्स्ट क्लास गूगल मीट पर भी हम लोग ले वाले हैं, वहाँ पर हम लोग इसका डिस्कशन अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, गूगल मीट पर जुड़ने के लिए हमारे साथ सीधे क्लासेस में जुड़ने के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको एक लिंक दिया जाएगा, आप उस लिंक पर जुड़ सकते हैं, आराम से आप कभी भी क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, ये ना केवल फोर्थ सेम के लिए बल्कि आप अगर जेई या किसी भी तरह का टेक्निकल एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये मेरा पूरा फंडामेंटल समझ में आ गया। तो कैसे हम लोग फंडामेंटल बात की है, तो सबसे पहले आपकी जो वाटर थी या जो जल स्रोत था यहाँ पे, वो आपका स्थितिज ऊर्जा, अस्थितिक रूप में था। ओके, इसके बाद फिर वो मोशन में आ गया यानी कि काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद वो आपका टरबाइन को घुमाने के काम में आ गया यानी कि टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी में इसको चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया मैकेनिकल में। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया, जनरेटर में दे दिया और जनरेटर चेंज हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस आपको एक डेटा के साथ आपको मिल गया कि हाँ इस तरह से हो रहा है।
ओके, अब थोड़ा सा हम लोग टरबाइन को समझते हैं कि टरबाइन क्या है। इसके बाद हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। टरबाइन क्या है? एक इस तरह का मशीन है, इसको हम लोग इसका ये जो ब्लेड्स है, इसका ब्लेड्स होता है, उसके ऊपर में अगर हम लोग फोर्स ऑफ वाटर देंगे या किसी भी लिक्विड से हम लोग फोर्स करेंगे या एयर से भी ब्लो करेंगे या ठीक है, तो वो क्या होगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। आप लोगों ने मेले में कभी आप बचपन में ये खरीदे होंगे, एक मिलता है इस तरह का चक्री, है ना, इस तरह का चक्री मिलता है जो कि कहीं भी साइकिल वगैरह में हम लोग बचपन में लगा देते थे। तो ये चक्री क्या होता था, घूमने लगती थी ये चक्री कैसे, तो वाटर एयर का जो फोर्स आता था इसके पंखे पे लगता था, ब्लेड्स पे लगता था और इसको घुमा दिया जाता था, घूम जाता था। सेम मैकेनिज्म आपका यहाँ भी होता है, फोर्स इस पे वर्क करता है और ये टरबाइन घूमने लगता है। ओके, तो इसी का फ़ायदा हम लोग उठाते हैं इसमें टोटली, और उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। आइए चलते हैं, वापस आते हैं हम लोग हाइड्रो पावर स्टेशन के ऊपर में और ज़रा हम लोग इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। ओके, आपके सामने एक डायग्राम है, इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से दिखे, अगर आपको, खैर नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है, आप नोट्स में भी इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन खींची हुई है इसको हम लोग डैम कहेंगे, और ये जो वाटर का जहाँ पे स्टोरेज हुआ है, यहाँ पे वाटर आके जमा हुआ है, इसको हम लोग रिजर्वायर कहते हैं, अभी मैंने बताया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चैनल बना के इसको हम लोग फ्लो कराएंगे, ठीक है, इसको हम लोग फ्लो कराएंगे। तो वही बात मैंने जो बताया उसको हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझाएंगे, इसके बाद हम लोग और अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। और एक डायग्राम है इसके नीचे नोट्स में, उसको हम और अच्छे तरीके से आपको डील करके समझाएंगे ताकि एकदम फुल एंड फुल क्लियर हो जाएगा, आप कभी भी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे आप इस चीज़ को। ओके, यहाँ पे एक क्या हो गया, एक प्रेशर चैनल। हम लोग जानते हैं कि किसी भी वाल्व के थ्रू, ठीक है, एक बड़े से वाल्व ले लिया, इसके थ्रू जब भी वाटर का प्रेशर इसमें जाएगा तो क्या होगा, इसका जो लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड एरिया मतलब ये इस तरह से यहीं तक का फैला हुआ, तो इस लिमिटेड एरिया के चलते इसमें फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। फोर्स का जो होता है, जिस भी डायरेक्शन में हम लोग वाटर को फ्लो करा रहे, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसके बाद पेनस्टॉक इसको कहते हैं, इस जो पाइप को हम लोग पेनस्टॉक कहते हैं, पेनस्टॉक के बारे में हम लोग थोड़ा देर बाद चर्चा करेंगे। एक सर्ज टैंक लगी हुई होती है, इस सर्ज टैंक के बारे में भी हम लोग थोड़ा देर बाद चर्चा करेंगे। टर्बाइंस होती है, टर्बाइंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लिए। इसके बाद जो रिलीज होता है वाटर यहाँ से, वो आपको फिर से छोटी मोटी एक नदियों में इसको मिला दिया जाता है ताकि उस वाटर को वेस्ट के रूप में ना यूज़ कर लिया जाए, वो इजीली कहीं ना कहीं यूज़ हो जाए। ओके, तो ये पूरा इंट्रोडक्शन आप लोग समझ गए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, वाटर कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, टरबाइन में जा रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस टरबाइन के नियर हम लोग एक जनरेटर के साथ इसको कपल करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके इसको ट्रांसमिट के लिए तैयार कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़रा हम लोग साइट सेलेक्शन के बारे में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम लोग थोड़ा सा उसको भी देखेंगे। ओके, अभी साइट सिलेक्शन के बारे में हम लोग जब बात कर रहे हैं, यानी कि जो जगह पे हम लोग वो प्लांट्स को सिचुएट करेंगे, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को हम लोग सिचुएट करेंगे, तो कौन कौन सी ऐसी फैक्टर है जिसको हमें मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि कौन कौन सा एक ऐसा फैक्टर्स होगा जो कि हम लोग कभी भी, जैसे सपोज़ हम लोग एक अपने घर के लिए कोई बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग कहीं ज़मीन खरीदते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ बातें रहती है कि कौन कौन सी कुछ कुछ थॉट्स रहती है कि मेरा ज़मीन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो कुछ कुछ दिमाग में हम लोग फैक्टर्स, कुछ कुछ फैक्टर्स लेते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोग खरीदें कि नहीं खरीदें, चाहे कॉस्ट कुछ भी हो चाहे जैसे भी हो, ठीक है ना। अब क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पे साइट सिलेक्शन करते हैं तो क्या होता है, कुछ कुछ बातें होती हैं या कुछ कुछ फैक्टर्स होता है जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको नज़र में रख के वो साइट को ख़रीदना या वो साइट को चूज़ करना, क्योंकि अगर वो सब नज़रिया से अगर हम लोग नहीं देखें उस साइट को तो शायद कुछ आगे जाके गड़बड़ हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जिससे हम लोग चेक करेंगे जब हम लोग साइट को सेलेक्ट करेंगे उस टाइम में।
ओके, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो सबसे पहले मेरा सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स क्या है मेरा वहाँ पे? सबसे बड़ा सोर्स होता है वहाँ पे मेरा वाटर का। वाटर का सोर्स हमारे लिए अवेलेबल होना चाहिए, सबसे मुख्य बात होता है कि हम लोग जब भी साइट सेलेक्ट करेंगे तो हमारा वाटर का सोर्स है कि नहीं वहाँ पे, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। हम लोग आर्टिफिशियल कहीं बोरवेल करके हम लोग उसका फुलफिल नहीं कर सकते, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग को वहाँ पे ज़रूरत होगा या हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहली बात देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है कि नहीं वहाँ पे, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितना है वहाँ पे, है ना। ह्यूज अमाउंट पर, ह्यूज क्वांटिटी पर हमें वहाँ पे चाहिए, तो ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका नोट्स में भी दिया गया है, आप पाउस करके इसको लिख भी सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप चाहो तो इसको पाउस करके लिख लो, इसके बाद फिर आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी कि प्रचुर मात्रा में मेरा, यानी कि भरपूर मात्रा में मेरा वहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, जिसका उपयोग या प्रयोग हम लोग आगे डैम या रिजर्वायर में स्टोर करने के लिए हम लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं और भी कुछ कुछ फैक्टर्स है, क्योंकि ये सब फैक्टर्स आपके एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आप जब भी पढ़ोगे तो ये सब आपको याद रहना चाहिए, अभी के अभी याद हो जाएगा सभी को। पहला क्या हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अभी दूसरा, अवेलेबल तो हो गया वाटर, लेकिन आप स्टोर कर पाओगे कि नहीं उसको। ठीक है, स्टोर कर पाओगे कि नहीं, तो वो चीज़ स्टोरेज ऑफ वाटर आपके लिए बहुत नेसेसरी होगा। ठीक है, कि आप किस जगह में उसको स्टोर करोगे। जैसे सपोज मेरा एक बहुत बड़ी सी नदी जो कि 12 मंथ, 12 महीना, पूरा सालों के साल क्या होता है, वो हमेशा उस पे वाटर का सोर्स, वाटर का फैसिलिटी वहाँ पे रहता ही है। ठीक है, तो क्या होता है, वाटर का जैसे फैसिलिटी रहता है तो हमको तो मिल गया फैसिलिटी, लेकिन वहाँ पे स्टोर करके हम कहाँ रख सकें, वो चीज़ व्यवस्था आपको देखना पड़ेगा। तो हम लोग जब भी इस टाइप का लैंड्स हम लोग एक्वायर करते हैं या हम लोग चूज़ करते हैं, तो आगे भी हम लोग बताएंगे टाइप ऑफ लैंड के बारे में, कि हमारा जो होता है ना वो पहाड़ी क्षेत्र होता है। आप जब भी देखो कोई भी डैम आप देखोगे तो वो पहाड़ी के किनारे ही वो बसा होगा, या पहाड़ी के किनारे ही। क्यों? क्योंकि आप अगर गौर से देखो तो ये देखो, इधर से एक पहाड़ी है, ऊंचा जगह, एक पहाड़ी इधर से है, और हम लोग एक डैम बना दिए यहाँ पे, एक कुछ इस तरह। तो ये क्या हो गया, एक वैसल की तरह बन गया, एक कटोरा की तरह, ये इधर से आएगा वाटर, यहाँ पे जमा होते जाएगा, इधर आपका वाटर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता है ना। तो ये क्या हो गया, एक वैसल की तरह काम हो गया। तो ये हो गया स्टोरेज वाटर, हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं कितना अमाउंट ऑफ वाटर। बाकी अगर इससे ज़्यादा हो गया तो हम लोग उसको या तो डैम में जो छोटे छोटे फाटक वगैरह रहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में फाटक कहते हैं, खिड़कियाँ जो रहती है उससे हम लोग रिलीज करते हैं, अभी बताएंगे आगे चल के कैसे होता है। अदरवाइज आप नियर बाई कोई छोटे छोटे नदियों से भी इसको जोड़ सकते हैं, कि इससे ज़्यादा वाटर हुआ तो हम लोग इधर से इसको निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा सोर्स ऑफ वाटर भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो ये सब हम लोग बात करेंगे जब इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, उस टाइम में हम लोग इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आप पॉज करके लिख लेना, अगर फिर भी दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट करना, मैं PDF दे दूंगा। कॉस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड। देखिए कॉस्ट क्या होता है, सबसे पहले कॉस्ट आपका जो होता है वो आपका इनिशियल कॉस्ट जो होता है वो आपको बहुत कम वैल्यू में होना चाहिए। यह नहीं कि जैसे हम लोग ज़मीन खरीदते हैं तो 10 लाख रुपए इकट्ठा चल रहा है या ऐसे चल रहा है, तो आपको इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर आप देखना, कभी भी आप जब भी पावर प्लांट जाओगे घूमने या डैम घूमने जाओगे तो आपको दूर दूर क्या होगा, वाटर ही वाटर नज़र आएगा। सोचिए उतना बड़ा ज़मीन हमको एक्वायर करना है ना, तो उसका कॉस्ट कितना ज़्यादा चला जाएगा। तो वो बहुत ही सस्ते दर में लिया जाए, बहुत ही सस्ते दर में। वैसे भी जंगल वाला एरिया सब में कोई वैसा यूज़फुल लैंड्स होता नहीं है, तो वो सस्ता में ही मिल जाता है। लेकिन अगर कोई वैसा एरिया हुआ जहाँ पे आपका अगर बहुत बड़ा शहर बसा हो या बस्ती बसा हो, तो वहाँ का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा भाग जाता है, तो उसको हम लोग नेग्लिजिबल प्राइस यानी कि बहुत ही लो प्राइस में हम लोग खरीदने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ लैंड मतलब वहाँ का लैंड ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा भूकंप वगैरह आता है, या टाइप ऑफ लैंड में और क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे कभी ज्वालामुखी फटा हो पहले, या कुछ वैसा जगह हो जहाँ का मतलब बरसों पहले नीचे दलदल हुआ करता था, तो वहाँ पे डैम का क्रिएशन नहीं होगा, यानी कि डैम को बिल्ड नहीं कर सकते हम लोग वहाँ पे,
क्योंकि मान लीजिए नीचे कीचड़ होगा, बाद में वो भर गया, तो कौन सा ठिकाना कि नीचे का सोर्स किसी तरह से भी फिर से गीला हो जाए तो ये धीरे धीरे डैम धंस जाएगा। आप कभी कभी ऐसा एक्सीडेंट सुनते होंगे, या ऐसा आप कभी कभी नेचुरल डिजास्टर भी सुनते होंगे कि अचानक से ये वाला घर गायब हो गया नीचे, है ना। तो उसमें क्या होता है कि नीचे वाला जो जगह होता है वो पहले से दलदल वाला या कुछ वैसा होता होगा, लेकिन फिर भी लोग इग्नोर कर करके बना लेते हैं घर। तो उसे क्या होगा कि एक ऐसा टाइम आता है जब यह धीरे धीरे जवाब दे देता है लैंड और नीचे धंस जाता है, ठीक है। अगल बगल का घर सुरक्षित रहता है लेकिन ये चला जाता है। आप देखे होंगे कि आपके नियर बाई कोई तालाब होगा जो सूख चुका होगा तालाब, अब उसमें लोग भरने को लगे हुए हैं कि उस तालाब को भर के इसको सेटलमेंट करके किसी तरह ज़मीन से बेच दिया जाए, है ना। तो उससे क्या होगा कि वो तालाब को जब भरा जाएगा तो उसका नीचे का क्षेत्र तो हमेशा मतलब पुअर कंडीशन में रहेगा, है ना। तो वो कभी भी ख़राब हो सकता है ना, कभी भी ख़राब हो सकता है, ख़ास करके बरसात के टाइम में। अगर ज़रा सा भी सोर्स मिल गया वाटर का तो धीरे धीरे वाटर सीपेज करने लगेगा, अंदर में लीकेज कर करके जमा होने लगेगा, जिसके कारण ये पूरा जगह आपका ख़राब हो जाएगा। तो यही सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो कॉस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड समझ में आ गया। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जैसे आप जहाँ भी रहोगे तो वहाँ का क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, मशीन्स वगैरह आप ला रहे हो या आपके वर्कर्स आ रहे हैं, आपके बड़े बड़े मशीन्स आ रहे हैं, बड़े बड़े कुछ पार्ट्स आ रहे हैं या कुछ मेंटेनेंस के कुछ चीज़ें आ रही है, तो उसके लिए क्या होगा, हमें अपने नियर बाय कोई अच्छा सा स्टेशन देखना होगा, या आप ट्रेन स्टेशन देख लो, या तो फिर आप देख लो कि बस स्टैंड देख लो, या आप नियर बाय रोड कनेक्शन ही आपको वहाँ पर ले जाना होगा। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कि ऐसा जगह हम नहीं बना लें कि जहाँ पे हमारे बड़ी बड़ी व्हीकल्स चले ही ना, बड़े बड़े ट्रक्स आपके जाए ही ना, क्योंकि बहुत हैवी अमाउंट ऑफ मशीन्स हमारा वहाँ पे यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा वैल्यू का जब डैम वगैरह क्रिएट करते हैं तो बहुत ज़्यादा वैल्यू का छड़, सीमेंट, गिट्टी वगैरह यूज़ होगा, तो वो सब कैसे जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से जाएगा। तो ये सब हो गया मेरा साइट सेलेक्शन। और भी साइट सेलेक्शन के कुछ पॉइंट्स हैं, अभी हम लोग देख लेते हैं जल्दी थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ तक ही इसको रहने देते हैं। और भी कुछ कुछ है, जैसे कि हमारा पॉपुलेटेड एरिया से दूर होना चाहिए, उसको पॉइंट आउट हम लोग नहीं किया है यहाँ पे, नोट्स में नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तब बताना। मैं फिर से इसका यहाँ पे देखो एक दो पॉइंट और होंगे कि वो पॉपुलेटेड एरिया से दूर होगा, यानी कि फार फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है। पॉपुलेटेड एरिया से दूर होगा, मतलब कहने का कि जैसे ये डैम बन गया, अब ये डैम में इतना हैवी अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे आपका जमा हो गया रिजर्वायर में, कि मान लो गलती से भी ये टूट गया तो इधर का तो पूरा बस्ती को उजाड़ के रख देगा, समझ रहे हो, मतलब पूरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कर देगा। इसीलिए पॉपुलेटेड एरिया, इस क्षेत्र में, इसके दूर दूर क्षेत्र में जहाँ भी आपको मतलब वो एक होता है सर्वे होता है कि यहाँ तक पॉपुलेटेड एरिया नहीं रहना चाहिए, तो सबको हटाया जाता है वहाँ पे, या वैसा सेलेक्ट ही नहीं किया जाता है वैसा साइट जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया हो, ठीक है। वो अलग बात है कि बाद में डैम बनने के बाद बाद धीरे धीरे लोग ज़मीन एक्वायर करने लगते हैं, खरीदने लगते हैं, बना लेते हैं कि डैम है तो आगे विकसित होगा, हमारा बिजनेस चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, है ना। तो उससे वो चीज़ नेगलेक्ट कर करके वो सब बना लिया जाता है, लेकिन वो गलत होता है। ओके, तो चलिए ये चीज़ समझ गए। और भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग देखना, इजी पॉइंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, यानी कि जो हम लोग कितने भाग में हम लोग बांटेंगे, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को हम लोग जनरली तीन भाग में बांटते हैं। एक हो जाता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, यानी कि जहाँ भी जलीय क्षेत्र है, यानी कि वैसा स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ वाटर के लिए यूज हो, ठीक है, तो वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा हो गया वाटर टर्बाइन्स, वाटर टर्बाइन्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वाटर टर्बाइन हो गया, यानी कि एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा वाटर टर्बाइन्स हो गया, और तीसरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गया। तीन भाग में जनरली हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं, इस पूरे पावर स्टेशन को। देखिए जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से वाटर का ज़रूरत पड़ा और यहाँ तक चला, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को हम लोग बोल देंगे ये हाइड्रोलिक का पार्ट है, चाहे वो डैम हो, डैम तक का, यहाँ तक का। इसके बाद टरबाइन एक मेरा अलग पार्ट आ जाता है, और एक मेरा पावर हाउस जनरेटर, ये सब मेरा अलग पार्ट्स आ जाता है। ओके, इजीली समझ में आ गया होगा आपको, कितने भाग में, तीन भाग में,
ठीक है, साथ साथ में आप बोलते भी जाओगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कितने भाग में यहाँ पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया इसको, तो तीन भाग में हम लोगों ने इसको रखा। एक हो गया मेरा हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक मतलब जहाँ भी लिक्विड वाला काम हो, लिक्विड का जहाँ भी काम हो गया, जैसे यहाँ से वाटर लिक्विड को इसके जरिए यहाँ पे। टर्बाइन एक आपका अलग सेक्शन हो गया, और ये सेक्शन आपका जनरेटर और पावर हाउस, पावर सेक्शन अलग हो गया। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, छोटा छोटा ट्रांसफार्मर, सेफ्टी के लिए जो भी चीज़ लगाया जाता है, सब चीज़ मेरा अलग हो गया। ओके, इजीली समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अभी हम लोग आगे बात करते हैं कि हाइड्रोलिक में कहाँ से आ जाएगा। ये डैम रिजर्वायर तो आ ही गया मेरा डैम, ठीक है, कंट्रोल गेट, यहाँ पे स्लिप स्पाइल वेज होता है, पैन स्टॉक, ठीक है, हेड वर्क्स, यही हेड्स, इसको अभी हेड्स के बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे जब टरबाइन जब बात करेंगे। सर्ज टैंक, यहाँ पे सर्ज टैंक नहीं बनाया हुआ, एक सर्ज टैंक भी होता है यहाँ पे। ये सर्ज टैंक क्या होता है, आगे भी आप लोग पढ़ोगे इसको डिटेल में। सर्ज टैंक क्या होता है कि जैसे सपोज एक ऐसा स्पेशल रिजर्व करने के लिए ये टैंक है, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर का अवेलेबिलिटी इस टैंक पे रख सकते हैं किसी भी कंडीशन में। किसी भी कंडीशन में जब मेरा यहाँ से फोर्स कम पड़े तो हम लोग सर्ज टैंक से रिलीज कर सकते हैं। अदरवाइज इसका एक और काम है कि मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट ऑफ वाटर का फोर्स जा रहा है, ऐसे करके है ना आपका पैन स्टॉक, बहुत हैवी अमाउंट ऑफ फोर्स जा रहा है, बहुत हैवी अमाउंट, लेकिन यहाँ टर्बाइन मेरा थोड़ा कमज़ोर टाइप का लगा हुआ है, यानी कि शुरुआत में क्या होता है किसी को फोर्स अचानक से दोगे तो बहुत ज़ोरों के झटका लगता है, बहुत ज़ोर से झटका लगता है ना। तो इस झटका से बचने के लिए हम लोग सर्ज टैंक से पानी रिलीज करते हैं एंटी डायरेक्शन में। ओके, तो ये क्या हो गया, फोर्स को अभी रिलीज करने से थोड़ा सा बचा लिया, फोर्स थोड़ा नॉर्मल हो गया, धीरे 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 वाटर आया, अब वाटर फ्लो होने लगा, अब धीरे धीरे इस सर्ज टैंक से हम लोग वाटर को कम करते हैं तो इसका फोर्स धीरे धीरे बढ़ने लगता है। समझ में आ गया, यानी कि उस टरबाइन में अचानक से फोर्स से बचाने के लिए, क्योंकि अचानक से फोर्स अगर आ गया तो टरबाइन के ब्लेड्स को टूटने का डर रहता है ना, तो उस टर्म से बचने के लिए, हमारा उस प्रोसेस से बचने के लिए हम लोग सर्ज टैंक से एंटी डायरेक्शनल हम लोग फोर्सेस अप्लाई करते हैं वाटर का, और वही टरबाइन को घुमा देता है। क्लियर, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया, सर्ज टैंक भी समझ गए हम लोग, सर्ज टैंक आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, तो आप लोग तो एडवांस समझ गए, कोई अच्छी अच्छी बात है सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये क्लासेस है, एक भी रुपये आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जेई वगैरह का तैयारी कर रहे हो, या फोर्थ सेमेस्टर में हो आप, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर से ही स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपके लिए बेटर रहेगा। हम लोग यहाँ पे SSC जेई असिस्टेंट इंजीनियर गेट DMRC LMRC सभी का तैयारी कराते हैं, तो उसके लिए आप हमें इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं आपको, या धीरे धीरे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा जहाँ से आपके लिए सारे मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे यहाँ पे। सिर्फ जो क्लासेस है उसके चार्जेस लगेंगे, लेकिन ये क्लासेस सेमेस्टर वाला आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है विथ नोट्स। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ज़रा ज़रा ये जो सेक्शन है, इन सभी के बारे में ज़रा ज़रा हम लोग जान लेते हैं, जो भी है नीचे लिखा हुआ आप लोग इसको पढ़ सकते हो इजीली, मैं अभी रख दूंगा, आप लोग पॉज करके धीरे धीरे पढ़ सकते हो, या तो फिर नोट्स से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कोशिश करना है कि हम अपने से लिखें, आप अपने से खुद से लिखो, आपको धीरे धीरे वो आइडिया आते जाएगा। थोड़ा थोड़ा बीच में हेजिटेशन होगा, शुरुआत में थोड़ा सा घबराहट होगी, क्या लिखें, कैसे लिखें, क्यों लिखें, कितना लिखा है, नहीं लिख पा रहे हैं, दो लाइन से तीन लाइन नहीं पढ़ पा रहे, बट कुछ ना कुछ लिखिए, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखिए। एक बार धीरे 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 आपकी जो आदत बन जाएगी, इसके बाद आप देखना कि आपकी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी, लेकिन इस डर को पहले जीतना है। तो रिजर्वायर समझ में आ गया, डैम समझ में आ गया, कंट्रोल गेट समझ में आ गया। कंट्रोल गेट क्या होता है कि यहाँ पर कितना वैल्यू का आपका गेट खुलेगा, है ना, और कितना वैल्यू का आपका यहाँ से वाटर यहाँ से सप्लाई होगा या रिलीज होगा, उसको हम लोग कंट्रोल गेट से कंट्रोल करते हैं। ये गेट धीरे 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 ऊपर जाएगा तो ये उतना ही गैप मिलेगा, और धीरे धीरे नीचे आएगा तो उतना कम मिलेगा। ओके, तो ये कंट्रोल गेट का काम है। फिर टरबाइन होते हुए यहाँ पे, फिर रिजर्वायर से आपका रिवर में सप्लाई हो जाएगा वाटर,
जो भी बच गया, और जनरेटर घूमते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, इसको ट्रांसफार्मर से जोड़ के हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग भेज देंगे, काम ख़त्म। आप आगे देख लेना, आपके नोट्स थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, ज़रा आप लोग इसको पॉज करके एक बार देख लो, या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करना, ठीक है? इसको पॉज करके आप देख लेना। ओके, तो अभी हम लोग टरबाइन के ऊपर आते हैं ज़रा। टरबाइन क्या करता है, जो भी आपका वर्किंग फ्लूइड हुआ, जो भी आपका वर्किंग फ्लूइड हुआ यानी कि जो वाटर लिक्विड से जो भी हमारा वर्किंग वाटर का फोर्स या प्रेशर आया, उसको क्या कर दिया, वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दिया और उसको भेज दिया फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए। यानी कि अगर हम माने तो सबसे मेरा मुख्य रूप से सबसे मुख्य काम करने के लिए यहाँ पर टरबाइन ही बैठा हुआ है बीच में, है ना? उसके बिना सब चीज़ अधूरा होगा, ऐसे सभी चीज़ के बिना कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है या नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हम लोग मेन पार्ट्स के रूप में इसको जानते हैं टरबाइन के बारे में। तो आप लोग डिफाइन कैसे करोगे, टरबाइन इज़ अ रोटेटिंग पार्ट, क्योंकि ये घूमने वाला पार्ट होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं, टरबाइन इज़ अ रोटेटिंग पार्ट विच कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वर्किंग फ्लूइड इनटू अ यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी, और उसी मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग चेंज या कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसका, बाय द हेल्प ऑफ, और ये आपकी ज़ुबान से निकल रही होगी आंसर, जनरेटर, ठीक है, जनरेटर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, टरबाइन ये तो देख रहे हो यहाँ पे एक कोई इंजीनियर खड़े हैं, सोचो ये कितने छोटे दिख रहे हैं, कितने बड़े बड़े टरबाइंस होते हैं वो, तो ये एग्जीबिशन में लगाया हुआ है, यानी कि ख़राब टरबाइन को किसी पावर प्लांट के बाहर में लगा के उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है, ताकि जो भी विजिटर आएंगे, जो भी विजिट करेंगे या कोई घूमने जा रहे हैं वहाँ पर, तो वो भी देखें टरबाइंस के बारे में, थोड़ा नॉलेज रखें, इसीलिए एग्जीबिशन टाइप का बाहर में लगा दिया जाता है पावर स्टेशन का, वो देखने में भी खूबसूरत लगता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और टरबाइंस के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। टरबाइंस आपका मुख्य रूप से चार टाइप का होता है, ठीक है, ये जनरली फोर टाइप्स होता है, एक वाटर में यूज होने वाला आपका वाटर टरबाइन, स्टीम वगैरह के लिए यूज होता है, तो वो स्टीम टरबाइन। इससे पहले जस्ट हम लोग स्टीम पावर प्लांट पढ़े थे, अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करेंगे तो हम इसके ऊपर भी बना देंगे कभी चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर वाला, ठीक है। गैस टरबाइन के बारे में, यानी कि जो गैसियस से चलता है वो गैसियस टरबाइन हो गया, जो विंड के लिए टरबाइन होता है वो विंड, सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा, अलग अलग बनावट होगा, अलग अलग फोर्स के अकॉर्डिंग उसका सहन क्षमता जो होता है, एफिशिएंसी जो होता है, अलग अलग होता है, इसीलिए अलग अलग कैटेगरी में होता है। वर्किंग सबका वही होता है कि वह घूमेगा, ठीक है, और उसी रोटेशन से मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट करेगा और उसको फिर दे देगा आगे। ओके, क्लियर है? तो ये इजीली समझ जाओगे आप लोग क्या है, कि सबसे पहले वाटर टरबाइन के बारे में, यानी कि पानी का यूज़ होगा, वाटर सोर्स क्या होगा, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर उसको मैकेनिकल वर्क में बदल देगा, है ना, इसके बाद उसको मैकेनिकल वर्क को आगे भेज देगा किसी के, अगर आपको यूटिलाइज करना है तो। उसी तरह स्टीम का यूज़ होगा, स्टीम में तो स्टीम टरबाइन हो गया, गैसियस का हो तो गैसियस टरबाइन हो गया, इसको बताने की ज़रूरत शायद नहीं है आप लोगों को, आप लोग इसमें बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग, टरबाइन कितने टाइप का होता है, टरबाइन का जो डिवाइड करते हैं मेन रूप से वो दो टाइप का होता है, एक होता है रिएक्शन टाइप और एक होता है इम्पल्स टाइप टरबाइन, ठीक है। रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए और आपको बहुत ही ज़रूरी है इसको अच्छे ढंग से जानने का। रिएक्शन टरबाइन, टरबाइन और दूसरे नंबर में क्या हो गया, इम्पल्स। मेरे साथ बोलिए, कितना तरह का हो गया, दो तरह का, एक हो गया रिएक्शन और दूसरा हो गया इम्पल्स टरबाइन, ठीक है, बोल रहे हो ना सब, हाँ अच्छे से बोलना तो आपको याद हो जाएगा धीरे से। अब चीखते हुए चिल्लाते हुए नहीं बोलना, नहीं तो मम्मी भी सोचेगी घर में कि ये कौन सा पढ़ाई पढ़ रही है सब, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि क्या अंतर होता है। गौर से देखना, ध्यान से देखना, एक बार में ही 6 रन के लिए बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चला जाएगा अगर आप बढ़िया से नहीं देखोगे तो, ठीक है। तो
रिएक्शन टरबाइन के बारे में सबसे पहले जानते हैं और इसके बाद इम्पल्स। रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं कभी भी केमिकल, तो वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है दोनों, यानी कि एक के अंदर दूसरा केमिकल क्या हो गया, मिक्स हो गया अंदर, तो वो हो गया रिएक्शन। तो याद रखना इसमें जैसे ये टरबाइन है तो उसके अंदर से वाटर फ्लो करेगा, तो वो हो गया रिएक्शन टाइप। इम्पल्स मतलब क्या हो गया, इम्पल्स पल्स टाइप का होता है ना, जैसे 1 2 3 ऐसे पल्स जाता है ना, तो देखो ऊपर में सिर्फ स्ट्रोक करेगा और सिर्फ ऊपरी भाग में स्ट्रोक करेगा, इसका अंदर का कोई भी पार्ट में इसका कोई भी रोल नहीं होगा, सिर्फ ऊपरी भाग में बात करेगा और ऊपरी भाग से ही उसको फोर्स डालेगा। अभी और बात करते हैं इसके ऊपर में कि क्या होता है, कैसे काम करता है रिएक्शन टर्बाइन, तो अभी तो समझ गए। गौर से देखो, आगे एक और फिगर होगा यहाँ पे, जस्ट एक सेकेंड ज़रा देख लेते हैं। अच्छा ये इम्पल्स टर्बाइन, ये हो गया रिएक्शन टर्बाइन, चलो यहीं पे पहले समझ लेते हैं। अच्छा यहीं तो साइड में फिगर है, चलो यहाँ पे तो है ही दोनों टाइप का बना हुआ। तो देखो गौर से देखो सभी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वाटर का इधर से आ रहा है फ्लो, समझ लो कि इधर से घुस रहा है ये, और ये क्या हो गया, इधर से निकल रहा है। तो आप सोचो इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स इधर की ओर लगा रहे, तो जो भी पार्ट्स से ये कनेक्टेड होगा पार्ट्स को पीछे की ओर धकेलेगा। हम लोग जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ कि अपोज करेगा, आप अगर इधर से फोर्स लगा रहे हो तो आपको भी इधर की ओर धकेलेगा कोई, समझ रहे हो। तो आप उसको कैसे बैलेंस करोगे वो आपको समझना है, अगर आप संभल गए तो संभल गए, अगर आप फ्रीली कहीं हो तो आप गिर जाओगे, समझ रहे हो। जैसे आप बंदूक से गोली मारते हो जो, तो इधर से जो निकलता है गोली तो पीछे की ओर भी थोड़ा सा ढकेलता है, इसलिए झटका लगता है ना। अब देखो यहाँ पे अब क्या है, अब कोई सोच रहा होगा हम तो दीपावली में वो पटाखे वाले फुटाते हैं, तो ऐसा तो नहीं लगता है, समझ में आएगा। तो इसमें क्या है, कभी वो बलून फोड़े हो डिज्नीलैंड में जाके, वो वाला बंदूक के बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, जो समझ रहे हो वो वाला नहीं। तो अभी क्या हो गया, इसको रिएक्शन के लिए कैसे, इधर से फोर्स लगा, ये देखो इधर से फोर्स लगा, इसमें एंटर हुआ तो ये फोर्स क्या किया, इधर से लगा दिया इसमें, यानी कि इस पार्ट में इधर से फोर्स लगाया, और जैसे ये रिलीज हो गया यहाँ से, तो रिलीज हुआ तो इधर की ओर फोर्स लगा, तो इसके अपोजिट भी इधर फोर्स लगा दिया। तो ये देखो ये इस टाइप से ऐसे करके घूमता रहेगा, समझ में आया ये चीज़। ओके अब आते हैं हम लोग फिर से इस पार्ट में, इम्पल्स टाइप में। इम्पल्स में क्या होता है कि बाहरी क्षेत्र में, यहाँ पे देखो ये बाहर में एक बकेट टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, ये क्या होता है, इसमें टकराएगा तो इसको इस डायरेक्शन में घुमा देगा, यहाँ से इसमें टकराएगा तो इस डायरेक्शन में घुमा देगा, तो ये इस तरह से घूमता रहता है इसमें। ओके अब यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है वो चीज़ एक बार हम लोग बात कर ले रहे हैं, वो कैसे घूम रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे इम्पल्स कर रहा है, वो चीज़ समझ में आ गया होगा। ये आपका स्टेशनरी वैन होता है, यानी कि उसका डब्बा, एकदम बाहर वाला एक फ्रेम जिसके अंदर आपका सब चीज़ रहता है। ओके ये स्टेशनरी पार्ट हो गया। अंदर में क्या हो गया, ये आपका रनर, ये जो ब्लेड्स होता है ये इसको रनर बोला जाता है, ठीक है, रनर बोला जाता है इसको। ओके और ये जो होता है रनर मतलब ये वाला पार्ट को बोला जाता है, और ये जो होता है इसको मूविंग नोजल बोला जाता है। ओके तो इजीली समझ में आ गया हमको क्या है, मूविंग नोजल इसलिए बोला जाता है इसको, ये वाला पार्ट को, कि ये चीज़ भी मूव कर रहा होता है, अगर गौर से देखो तो, है ना, ये इधर से गया इधर से लगा इस तरह से मूव कर गया। अभी हम लोग नेक्स्ट अभी देखेंगे, नेक्स्ट वाला जो फोटो है टरबाइन का जो पिक्चर है उसमें हम लोग बढ़िया से समझेंगे। ये रनर हो गया, बीच वाला पार्ट जो ग्रीन कलर का ब्लैक दिख रहा है वो वाला, ये फिक्स्ड नोजल हो गया, यानी कि ये फिक्स रहता है, इसमें ये नहीं मूव करेगा। इसमें ये बकेट टाइप का ये बना होता है, ये देखो इस तरह का, इसी में जाके वाटर फोर्स करता है, तो इसको हम लोग बकेट कहते हैं, बकेट। ओके बकेट मतलब क्या होता है, बाल्टी टाइप का ना, हाँ चलो। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर में, और एक और चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके देखते हैं रिएक्शन टरबाइन के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लिया। रिएक्शन टरबाइन कुछ इस तरह से, यहाँ से वाटर, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसके बारे में, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग अच्छे ढंग से देखेंगे। इधर से जैसे इंटर हुआ वाटर,
ये क्या हो गया, इस तरह से यहाँ पे रोटेट कर गया। इसको हम लोग बोलते हैं केसिंग, केसिंग यही तो लिखा हुआ, स्पाइरल। स्पाइरल मतलब घुमा हुआ है, इसीलिए इसको स्पाइरल केसिंग बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद जहाँ से ये वाटर एंटर हुआ, ये इसके लिए एक गाइडर्स वगैरह रखा होता है कि जैसे यहाँ से हम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं ये सब, ठीक है। तो यहाँ से इसमें घुसेगा तो ये गाइड दे दिया, फिर यहाँ से वाटर आएगा तो यहाँ पे गाइड दे दिया, फिर यहाँ पे गाइड दे दिया। तो इस तरह से गाइड्स दिया हुआ है, यानी कि आपको बता रहा है कि इसी में घुसना है, इसी में जाना है। अब क्या होगा, जैसे इसमें एंटर होगा वाटर, तो क्या होगा, ये अंदर की ओर चला जाएगा। आपको थोड़ा सा लग रहा है ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा सा बता रहे हैं। ओके, अब जैसे ही घुसा इसमें तो क्या हो गया, ये अंदर की ओर एंटर कर गया वाटर। ये वो पूरा रनिंग मोड में है वाटर, यानी कि कहीं जाके स्थिर हो गया रनिंग मोड में। अब जो भी रनर है मेरा, जो भी रनर है वो पूरा घूम रहा है, व्हील जो भी है व्हील वो घूम रहा है। अब घूमते 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 क्या हो गया, नीचे की ओर निकल गया, ठीक है। जहाँ भी इसको घुमाते हुए, रनर को घुमाते हुए नीचे की ओर आपका निकल गया। तो इसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन टाइप टरबाइन, ओके। जो कि आपका वाटर का लेयर अंदर जाते हुए फिर इसको पूरा घुमाते हुए फिर रेस्ट मोड में आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन टरबाइन। आते हैं हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इंपल्स क्लास, इंपल्स टरबाइन के ऊपर में, ठीक है। इंपल्स टरबाइन में क्या होता है, इस तरह का एक आपका जो पेन स्टॉक होता है वो होता है, और एक यहाँ पे नोज़ल लगा हुआ होता है। नोज़ल लगाया हुआ होता है, जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे हैंड व्हील दिया रहता है। ये क्या होता है, इस नोज़ल के अमाउंट को, मतलब कितना अमाउंट में इसका मुंह खुला हुआ रहेगा वो ये डिसाइड करता है। इसका इसको अगर ढीला कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो ये थोड़ा ज़्यादा होल दिखेगा, और थोड़ा सा अंदर रखेंगे थोड़ा सा कम होल रहेगा। तो कम होल रहेगा तो ज़्यादा आपका यहाँ से फोर्स करेगा। ये बकेट टाइप का आपका यहाँ पे बना हुआ है, इसमें जैसे टकराता है तो ये क्या करता है, आगे की ओर इसको रन करा देता है। ये धीरे धीरे घूमने लगता है, और धीरे धीरे नीचे ट्रेल रेस, मतलब जो रेस्ट अमाउंट में वाटर आता है वो फिर इधर से निकल जाता है। तो ये हो गया आपका इम्पल्स टाइप टरबाइन, ओके। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया होगा जिसको हमें रिपीट करने की ज़रूरत है, एक बार फिर से आप वीडियो को बैक करके देखें। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो नीचे कमेंट लिखें। हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पर शेयर करें। थैंक यू।